हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह हमारा पार्ट टू है, यानी भाग दो। मैंने ऑलरेडी भाग वन में वीडियो डाल चुका हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने बेसिक पढ़ा है, कुछ फॉर्मूलेज देखे हैं और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, देखिए 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 के अनुपात में था। सी की वर्तमान आयु हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात है 6 वर्ष पूर्व। देखिए देखिए क्या होता है, आप एक चीज ध्यान रखिए, 6 वर्ष पूर्व, देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, पूर्व का मतलब है मैं पीछे वाली बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे से पीछे वाले, मतलब 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर 6 साल बाद की बात करूँ तो मुझे 6 साल प्लस करने होंगे अपनी आयु में। ठीक है, तो आपको आई थिंक इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको पूर्व और बाद में याद रखना है, पूर्व मतलब पहले, बाद में मतलब आगे जाएंगे हम। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, अनुपात दिया है और उनकी आयु का हमें क्या दिया है, योग दिया है। ठीक है, ओके, तो हमें क्या निकालना है, सी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो इसमें ऐसी कंडीशन में हम क्या करते क्या है, हमें देखिए 6 वर्ष पूर्व हमें क्या लिखा है, 6 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, तो ए बी सी तो है ही। ठीक है, तो हम इसे के मान लेते हैं, इसको 2K मान लेते हैं और इसे 3K हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम मान सकते हैं। अब 6 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, 6 वर्ष बाद क्या होगी, 6 वर्ष बाद। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 6 प्लस करना होगा और इसमें भी 6 प्लस करना होगा और इसमें भी क्या करना होगा, 6 प्लस हमें करना होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि इनकी वर्तमान आयु यानी कि ये कितनी होगी, 90 वर्ष होगी। कितनी होगी, 90 वर्ष, क्योंकि 6 साल पूर्व थी, अब 6 साल बाद में आ गई, यानी कि हम वर्तमान में आ गए हैं। तो देखिए कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई, 90 आ जाएगी। तो इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और के का मान निकालते हैं। तो देखिए 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि हमारे पास के कितने आ गए, 6K आ गए। ठीक है, 6, 6, 12, 36, 18। ठीक है, 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 आ जाएंगे। ठीक है, और के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर करेंगे 6 कम 6। ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी के की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए सी की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए एक्चुअल में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें, हम क्या करते हैं इसमें, हम यहाँ पर रख देते हैं सी की वर्तमान आयु 3 प्लस k = 12। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 48 आ गई। ठीक है, अब ये कितनी आ गई, 48। ये कितनी थी, 6 वर्ष पूर्व की आयु थी। कितनी थी, 6 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व, मतलब पूर्व की बात थी। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे साथ 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 42 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें। ठीक है, और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए तो पहले आपको क्या निकालना होगा, पहले आपको कॉमन नंबर निकालना होगा। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए और बी का जो अनुपात दिया है 4:5 में दिया है। ठीक है, ओके, और फिर दिया है उन्होंने 5:6, 5 वर्ष बाद। तो हम कॉमन नंबर कैसे निकालते थे, पहले इसमें इंटू करते थे, फिर इसमें इंटू करते थे, 6 जो 24 और 5 25, तो 25 माइनस 24 यहाँ पर आ जाएगा कॉमन नंबर हमारे पास 1, मतलब
हम जो कॉमन नंबर निकालते थे कैसे निकालते थे हम, बर्ड्स, ठीक है। और हमारी सेकंड वाली संख्या का क्या डिफरेंस, ठीक है, सेकंड वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आता है, जितना भी हमारा आएगा, ठीक है, फिर इनटू, फिर इन दोनों का मतलब कि जो सेकंड वाली संख्या है, जो सेकंड वाला अनुपात है, उनमें अंतर कितना आएगा वो लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, बर्थ समय कितना दिया है 5, ठीक है, डिफरेंस आया 1 और इनका भी डिफरेंस 1 आया, तो कॉमन नंबर हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब हमें वर्तमान क्या निकालना है, हमें वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो में जो लिंक है उसको देख लीजिए, उससे क्या आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा और बेसिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक ही आयु निकालनी है, वर्तमान आयु, तो हमें क्या करना है, और एक ही आयु पहले निकालनी है, तो हमें क्या करना है, इस वाली में, यानी कि जो ऊपर वाला अनुपात है, यानी कि वर्तमान वाला ही अनुपात ऊपर है, तो हम एक ही निकालेंगे, तो 5 और 20 कितना आ गया, 20 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब उसने बोली 5 वर्ष बाद, कितना बोला, 5 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब 5 प्लस होता है, ये हो गई 25, ठीक है, ओके। अगर वो बोलता हमसे बी की निकालिए, तो बी की 25 हो जाती प्लस 5 हो जाता, तो ये कितना जाएगा, 30 वर्ष हो जाता, ठीक है, ओके। ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लॉजिक था और ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाने की जरूरत है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आप पहले जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है इसमें। और देखिए, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, ठीक है, पहले तो उसने ए और बी की आयु दी है, ठीक है, 7 वर्ष कितने पूर्व दिया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व कितनी दी है, 4:5 दी है, ठीक है। फिर 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद लिख लेते हैं, ठीक है, उसने अनुपात फिर से दे दिया है, 5:6 दे दिया, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु क्या लगी, जब भी आपको दो अनुपात दिए हों तो आप एक कॉमन नंबर निकालिए, उसके बाद आपको करना क्या है, कॉमन नंबर निकालने के बाद वर्तमान आयु के लिए आपको इसमें पहली वाली में इंटू करना है, या तो 7 साल बाद पूछे या 7 साल पहले पूछे, तो हमें उसका निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो हम जो निकाल लेते हैं 25, यहाँ पर देखिए कॉमन नंबर पहले से 1 ही आ जाएगा, ऊपर वाला जैसे ही है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये बना गया, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, 7 साल बाद और 7 साल पहले, यहाँ पर हम कॉमन नंबर क्या रखते, पहले हम कॉमन नंबर निकालने के लिए क्या करते थे, वर्ष रखते थे, तो यहाँ पर हम 14 वर्ष रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि 7 साल बाद और 7 साल पहले आपको ऐसा कभी भी आ जाए तो आप इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। कॉमन नंबर कितना है, 1, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1, ठीक है, तो ये कितना आया कॉमन नंबर, रहा 14 वर्ष, ठीक है, कॉमन नंबर हमारा 14 वर्ष आ गया। तो हम क्या करेंगे, 14 का हमें क्या करना है, किसका, बी का निकालना है, तो हम डायरेक्ट बी का ही निकालते हैं, ठीक है। बी का कैसे निकालेंगे, हम 14 का इंटू करेंगे, 5, 5 और 20, ठीक है, 2, 5 और 1, 70, तो कितना आ गया, 70 वर्ष आ गया, ठीक है, बी की जो वर्तमान आयु है वो आ गई 70 वर्ष, ठीक है। एक ही निकालनी होती तो एक ही हम निकाल देते, देखिए एक ही निकालनी होती तो हम निकाल देते एक ही, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम कितना, ए, ठीक है, 14 प्लस 4, 4 चौक 16, 1 आ जाता 4 और 1 5, इतनी थी 56 वर्ष, ठीक है, ओके। आप चाहें तो इसका अनुपात निकाल के देख सकते हैं, ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 और 14 दिया है। अब 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए मैंने आपसे बोला था कि उन्होंने अगर 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष, देखिए अगर दोनों कॉमन आते, 6 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी है, यहाँ पर उन्होंने 6 वर्ष बाद दे दी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम जो अनुपात है, पहले तो हम कॉमन नंबर निकालेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, पहले तो आप कॉमन नंबर निकाल के इसको निकालने की कोशिश करिए जो 4 वर्ष की आयु है, ठीक है, उसके बाद हम 6 वर्ष प्लस करेंगे, फिर अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम आयु निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो 11 और ये 15, ठीक है,
हमें क्या करना है, तो देखिए 17 का पहले तो देखिए इसका इंटू करेंगे। देखिए अगर आपको इंटू करना नहीं आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डली हुई है एक वीडियो, ठीक है, आप उसकी प्लेलिस्ट देख ली, मैथ एक मैथ ट्रिक्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आकर आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें इंटू करेंगे, देखिए अगर आप 15 का इंटू करेंगे, 15 का इंटू कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, 15 15 15 45 और यहाँ 5 आ गए और यहाँ 19 आ गए, ठीक है, 15 और 4, ठीक है, 19 हो गए, ठीक है। और 11 का इंटू करेंगे तो 7 और 1 जो 8 और 1 88 हो गए, ठीक है, सॉरी 87 हो गए, और इसका आंसर, इसका कॉमन नंबर आया 8, ठीक है। कितने वर्ष था, 4, हमारा कॉमन नंबर आया 8, हमारे पास यहाँ पर से डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर से डिफरेंस आया कितना, 4, ठीक है। तो देखिए ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, 2 वर्ष आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। तो हमें निकालनी क्या है, दोनों की अनुपात, यानी 6 वर्ष बाद इनका अनुपात, यानी कि दोनों की ही निकालनी है, ठीक है। तो देखिए 13 का इंटू करा 2 में तो ये हो गई 34, कितना हो गया, सॉरी 13 में हमारे 2 इंटू करा तो ये हो गया हमारा 26, ठीक है, और इसमें इंटू करा 17 में तो ये हो गया 34, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद पूछा उसने, 6 वर्ष प्लस कर दिया हमने, ठीक है, 6 6 12 और कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया, और ये कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 40 आ गया। अब इसमें अनुपात निकाल देते हैं हम, इसमें डायरेक्ट कितने का भाग कर देते हैं, कितने का भाग कर देते हैं, 4 का, ठीक है, 4 8 32, ऐसे आप लिख लीजिए 4 8 32 अनुपात कर लीजिए और 10, ठीक है, अभी भी ये कट रहा है, 2 4 8 10, तो ये अनुपात हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद कोई कटेगा नहीं, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो संध्या, जो अंजू और संध्या की आयु का अनुपात है वो 4:5 होगा 6 वर्ष बाद, ठीक है, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, ठीक है, क्या है, 8:9 दे नौ दे दिया, इनकी आयु का योग दे दिया उन्होंने, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें पहले तो हम ऊपर जो कर रहे थे दो अनुपात दे रहे थे, हम उनसे एक कॉमन नंबर निकाल रहे थे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ें हम लिख लेते, सीता और गीता, सीता से एस, गीता से जी, ठीक है, तो 8:9 दिया है और टोटल दिया है हमें 68, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया हमसे 10 वर्ष बाद का अनुपात, हम क्या करते हैं इन दोनों की आयु निकाल लेते हैं, क्या करते हैं इन दोनों की आयु निकाल लेते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था, फिर अनुपात निकाल लेते हैं। आयु कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं जब टोटल करके, जब भी टोटल होता है तो इन दोनों का हम टोटल कर देते हैं, इन दोनों का टोटल है 11 11, ठीक है, सॉरी इन दोनों का टोटल है 17, कितना है, इन दोनों का टोटल है 17, ठीक है। और उसने उसने हम जी एस की यानी सीता की और गीता की आयु निकालना है, तो सीता की आयु निकालने के लिए सीता का जो वैल्यू है वो रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर 17, ठीक है, यहाँ पर 17 रखने के बाद 17 चौक कितने होते हैं, 68, ठीक है, 17 चौक 68, और यहाँ पर आ गया 8 चौक 32, ठीक है, कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक है, ये आ गई सीता की आयु, वर्तमान आयु, और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 42, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो 70 तो ऊपर ही रहेगा, 4 में इंटू कर देते हैं 9 का, सिंपल सी बात, हमें अगर सॉर्ट करना है क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही करेंगे, हम एक बार निकाल लेंगे 4 और यहाँ पर 8 की जगह हमें क्या रखना है, 9 रखना है, ठीक है, तो 9 चौक 36, ठीक है, प्लस 10 कर दिया तो ये आ गया 46, ओके। अब इसे हम काट देंगे, दोनों का अनुपात को काट देंगे, 2 से काटा 1 2 से काटा 2 3, तो ये आ जाएगा हमारा 21:23, क्या आ जाएगा, 21:23, इसके बाद में 21:23 किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए हम यही अनुपात रखेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा, आगे सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, जिससे क्या सॉर्ट हो जाए क्वेश्चन, बहुत कम हो जाए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
इसमें क्या है थोड़ा सा घुमा दिया गया है, और अगली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन में लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखिए, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के 1/4 होनी है, ठीक है। तो जबकि उसके पुत्र की आयु उसकी 1/10 गुनी है, मतलब अभी जो है उसके पुत्र की आयु 1/10 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है हमें बताना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कह दिया हमें यहाँ पर जो वैल्यू भी है, ठीक है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 1 5, 4 4 1 5, 5/4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए पहले तो विवाह होगा, ठीक है, और आज विवाह हुआ होगा तब वो 4 की होगी, और आज जो है 5 की होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ी होगी, तो वो आज होगा तो क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन नंबर कैसे निकालते हैं, हमारे पास वर्ष दिए हैं 6, इन दोनों का डिफरेंस 1 और इन दोनों का फिर डिफरेंस 1, तो ये आ गया 6 वर्ष, कितना आ गया, 6 वर्ष ही आएगा हमारे पास कॉमन नंबर, जैसे कि हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें इंटू करेंगे 6 का, 6 6 24, और 5 में करेंगे 6 का, 6 5 हमारे पास 30 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो क्या थी हमारे पास, जो एक वैल्यू आई थी, ठीक है, वो आ गई, ठीक है। तो अब क्या है, और उसने पूछा है, अब उसने बोला है पुत्र की आयु उसकी आयु की कितनी है, 10 गुनी है। तो भाई उसकी आयु कितनी है, देखिए उसकी आयु आज आज की आयु कितनी है, देखिए ये है आज की आयु और ये विवाह की आयु, ठीक है। तो आज की आयु की कितनी है, उसने बोला आज की आयु की 10 गुनी है, ठीक है। तो पुत्र की आयु, उसने बोला पुत्र की आयु कितनी है, 10 गुनी है, तो 1 से 1 काट दिया, यानी कि पुत्र की आयु कितनी आएगी, पुत्र की आयु आ जाएगी 3 वर्ष, कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष उसकी पुत्र की आयु आ जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको अपनाना है, पहले तो कॉमन नंबर निकालना, अगर ऐसा कभी भी दिया हो आपको, गुनी दी हो, तो आपको करना क्या है, पहले तो मेन जिस भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसको निकालना है, ठीक है। और आप कॉमन नंबर कैसे निकालते हैं वो आप दी कैसे, देखिए हमें वर्ष कितने दिए, 6, और देखिए विवाह होगा उसका कुछ साल पहले हुआ होगा, और आज जो होगा वो साल बड़ी होगी, ठीक है। तो बड़े वाली साल हमने आज ले ली, ठीक है। तो अब 6 वर्ष, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है, +1 मान लीजिए, और -1 डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। और आज का डिफरेंस यही है 1, तो देखिए इंटू करके हम क्या करेंगे, इसका वर्ष निकालेंगे, इस वर्ष को हम क्या करेंगे, विवाह से और आज वाले से इसको इंटू कर दें, तो इससे क्या होगा, विवाह वाला समय और आज वाला समय आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसने बोला था पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है, ठीक है। तो वही पुत्र की आयु रख दी हमने, पुत्र ये रख दिया और उसकी आयु रख दी कि 10 गुनी है, तो ये रख दिया, तो पुत्र की आयु आ गई 3 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको आज का लेक्चर या आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, सारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी, ठीक है। और इसी तरह से आप अभी हमारा सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके बताइए कैसी रही ये वीडियो, और अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस क्वेश्चंस के PDF चाहिए, तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइए, तो मैं PDF की आपको व्यवस्था कर दूंगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही PDF की लिंक डाल दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।